राजकुमारी कुंती। शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती, अन्यथा कोई देख लेगा। ये पिता हमें देख रहे हैं प्रियव्रता, उनसे कैसे कुछ गुप्त रह पाएगा। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती, मुझे क्षमा कर देना पुत्र। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करे।
मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। राजकुमारी रुक जाइए, रुक जाइए। प्रिया माता मेरा पुत्र, रुक जाइए। नहीं संभालिए मेरा पुत्र। भगवान सूर्य नारायण मुझ पर बहुत क्रोधित थे प्रिया माता, मैंने उनके पुत्र का त्याग किया है। आज सूर्य नारायण का ताप इतना अधिक क्यों है? किस बात का क्रोध है उन्हें? अवश्य अवश्य कहीं भीषण पाप हो रहा है।
पापा। प्रसव पीड़ा हुई है, चलो इसे इसके घर के अंदर ले चलो, कोई अधिरथ को बुलाओ। आपने इस दिव्य बालक की सुरक्षा हेतु मुझे क्यों बुलाया? कि आप महाराज के सारथी हैं आदिरथ महोदय। महाराज की ओर आने वाला हर बाण सर्वप्रथम अपने वक्ष पर लेने का प्रण लिया है आपने, तो फिर आपके सिवा और किसे ये दायित्व दिया जा सकता था? किंतु राजकुमारी कुंती द्वारा ऐसा पाप कैसे हो गया जिसका दंड इस दिव्य बालक को भोगना पड़ रहा है? पाप नहीं, बालपन की भूल है ये। उस समय महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के निकट तपस्या कर रहे थे। महाराज के आदेश पर राजकुमारी कुंती ने महर्षि की अथक सेवा की। ऋषि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को वरदान दिया था दी गई मंत्र शक्ति से वो किसी भी भगवान को आवाहन दे सकती है एक पुत्र प्राप्ति के लिए। राजकुमारी कुंती ने भगवान सूर्य नारायण को आवाहन दिया। भगवान से अपनी भूल की क्षमा भी मांगी थी, किंतु ऋषि मंत्र का अपमान नहीं हो सकता था। भगवान सूर्य नारायण मंत्र बद्ध थे राजकुमारी को अपना प्रसाद देने के लिए। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। किंतु देवी, इस नन्हे से बालक का क्या दोष? क्या इसे किसी अनाथ आश्रम में स्थान नहीं मिल सकता था? यह राजकुमारी के सामने भी रहेगा और इसके जन्म का सत्य समाज से गुप्त। यदि यह बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेगा, इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है।
इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। मैं किस प्रकार इस बालक की रक्षा कर पाऊंगा? अपने घर में इसे आसरा देकर, अपना पुत्र बनाकर। ये बालक दिव्य है, एक क्षत्रिय के घर में जन्मा है, मेरे जैसे नीची जाति के घर कैसे पलेगा? सुषेण महोदय, सूत के घर में ये सूत पुत्र बनकर पलेगा। महाराज के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण है, इसलिए इसकी रक्षा का भार मैं आपको दे रही हूँ। मैं महाराज के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ देवी। किंतु मुझे इसकी चिंता है, सत्य कभी छुपता नहीं देवी। सत्य बड़ी ही सरलता से छुप जाता है सुषेण महोदय, क्योंकि केवल थोड़ा सा असत्य मिलाने से सत्य भी असत्य हो जाता है। आपको इस सत्य को सदा गुप्त रखना होगा। किंतु देवी, अपने सारे संदेहों को इस अग्नि में जला दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। शीघ्रता करें अधीरथ, आपकी पत्नी गर्भवती है, इसे पहले कि उससे संतान जन्मे आप इस बालक को उस तक पहुंचा दीजिए। आप सबसे कहेंगे कि आपकी पत्नी ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। ये किस प्रकार होगा देवी? दिव्य है ये बालक, और ये समाज बलवान की दिव्यता को प्रणाम करता है, किंतु निर्बल की दिव्यता को अपराध मानकर दंड देता है। तो इसे अपने बल का परिचय देना होगा सारे संसार को। अपना परिचय पाना और अपना परिचय देना, यही इसका जीवन कार्य होगा। शीघ्रता कीजिए दाई माता, राधा दीदी बहुत पीड़ा में है, किसी भी समय प्रसव हो सकता है, जल्दी चलिए। राधा को प्रसव पीड़ा कब से हो रही है? जब से भगवान सूर्यनारायण का ताप बढ़ा था।
आपका प्रकाश इसका कवच होगा और आपका तेज इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा। जिस प्रकार चतुष्कोण के बीच कर्ण नाम की रेखा तिरछी चलती है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी हर परंपरा को तोड़कर अपने लिए एक तीर्छा मार्ग निर्मित करेगा, एक तीर्छा मार्ग निर्मित करेगा। हे सूर्य नारायण, मैं आपकी अनुमति से आपके पुत्र को नाम देता हूं सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र का, सूर्य पुत्र का, सूर्य पुत्र का। अधीरथ महोदय, दाइमा, पहले बालक का प्रसव सुख से हो गया, संभवतः दूसरा शिशु राधा के उदर में जन्म नहीं हो रहा। महोदय आप बाहर जाइए, लाइए मुझे इसे दीजिए। आप सभी शीघ्र चलिए। धीरथ महोदय, आपके दोनों बालक सुखरूप में हैं। भाग्यवान है हम राधा, भगवान ने हमें दो पुत्रों का वरदान दिया है। अपने पुत्रों को नाम दीजिए अधीरज महोदय। जी, ये छोटा है, सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा। रक्त जैसा लाल रंग लेकर जन्मा है, इसलिए इसका नाम शोणित या शोण होगा। और मेरा ज्येष्ठ पुत्र, इसे क्या नाम देंगे आर्य? और इसका नाम Thank you.
आपका प्रसाद है ये भगवान, आपका अंश है, आपका प्रकाश इसका कवच होगा और आपका तेज इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, ताप बनेगा इसका सामर्थ्य। आप ही की भांति आपका पुत्र भी प्रत्येक ग्रहण से मुक्त होगा, ग्रहण से मुक्त होगा और समय के आकाश में सदा के लिए प्रकाशित रहेगा। जिस प्रकार चतुष्कोण के बीच कर्ण नाम की रेखा तिरछी चलती है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी हर परंपरा को तोड़कर अपने लिए एक तीर्थ मार्ग निर्मित करे, एक तीर्थ मार्ग निर्मित करेगा। हे सूर्य नारायण, मैं आपकी अनुमति से आपके पुत्र को नाम देता हूं कर्ण, 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 सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र, कर्ण, सूर्य पुत्र, राजकुमारी कुंती। शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती, अन्यथा कोई देख लेगा।